हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान ट्रिक के साथ सरल करेंगे। इसमें खंड सी दे रखा है। खंड सी में दो दे क्वेश्चन होंगे, एक अथवा में होगा, दोनों में से आपको एक करना। हम यहाँ पे सुविधा के लिए दोनों प्रश्न सरल करेंगे, तो आइए क्वेश्चन सरल करते हैं। माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल ये दे रखा है ए से बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, जहाँ ए बराबर वन और बी बराबर चार है। माध्यमान प्रमेय की शर्त क्या होती है? पहले तो ये बंद अंतराल ए बी में एफ सतत होना चाहिए फलन, और खुले अंतराल, ये खुले अंतराल में ए बी में फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। शर्त फर्स्ट क्या है कि बंद अंतराल एक से चार में फलन सतत हो, तो ये हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। अब ये देखो ये क्या है, क्योंकि दिया गया फलन बहुपदी है जो कि हर जगह सतत होता है, अतः दिया गया फलन बंद अंतराल एक से चार में सतत होगा। शर्त दो क्या है, खुले अंतराल ए बी में फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय हो, क्योंकि दिया गया फलन क्या है, बहुपदी है जो कि हर जगह अवकलनीय होता है, अतः दिया गया फलन खुले अंतराल एक से चार में अवकलनीय है। क्योंकि माध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें पूरी करता है, अतः एक बिंदु सी होगा। तो देखो एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, तो पहले वो जो एक से चार में दे रखा, तो एफ वन निकालेंगे यहाँ से, तो एक्स बराबर वन रखा तो ये वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस एक्स बराबर वन रखा तो ये माइनस फोर और ये माइनस तीन, तो एफ वन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस सिक्स। इसी प्रकार एफ फोर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस का थ्री। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स और ये हो गया माइनस फोर, और अब एक्स की जगह सी रखेंगे तो एफ डैश सी बराबर ये एक्स के बराबर सी रखा तो ये हो गया टू सी माइनस फोर। फॉर्मूला एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। टू सी माइनस फोर और एफ बी का हमारे पास वैल्यू कितनी है, माइनस तीन, तो ये माइनस तीन सूत्र में रखा, फिर आगे माइनस है, फिर एफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस छः, तो ये माइनस छः बट्टा बी की वैल्यू चार है और ए की वैल्यू एक है, तो चार माइनस एक। यहाँ से क्या हो गया, टू सी माइनस फोर इजिकल टू वन, तो टू सी बराबर ये चार इधर आ जाएगा तो पाँच हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5। अब देखो ये एलिमेंट है एक से चार में, इसकी वैल्यू एक से चार में है, तो हमारे पास सी का मान कितना आ गया 2.5, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।